मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में सबसे बड़ी इशू प्रदर्शन होता है कि लोग ढूंढने होते हैं। मैं बोलता सब बोलता हूँ, सैन वंडर वन कोई जाता नहीं था, लोग बोलते थे क्या है, कौन जाएगा बहरिया के आगे। आज वहाँ पे 50 घर बन रहे हैं और 10 फैमिलियाँ रहना शुरू हो गई हैं। अब मलीर एक्सप्रेस वे जब रेडी होने का ना सर, तो वो जो वहाँ पे प्लॉट 15 से 20 लाख का था, 33 लाख रुपये में लोग लेंगे, क्योंकि वो एक्सेस आ जाएगा सीधा। उसके बाद फिर नॉर्थ टाउन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने घर के पास ही खड़ा हूँ, यानी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, मैं खड़ा हूँ बिलाल हाइट्स के मेन दफ्तर पे। ठीक है व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बिलाल हाइट इस वक्त GFS बिल्डर एंड डेवलपर का बहुत गर्मा गर्म प्रोजेक्ट है, और ओल्ड बुकिंग ऑफिस के साथ ही बिल्कुल नियर अबाउट। अगर आप ओल्ड बुकिंग ऑफिस के मेन रोड से आएंगे, यानी पुराने वाले रस्ते से आप आएंगे, तो सीधा आप इधर जैसे ही आएंगे तो ओल्ड बुकिंग ऑफिस के बिहाइंड पे ये बिलाल ऑफिस का ये आपको नजर आ जाएगा, बिलाल हाइट्स का मेन ऑफिस। और यहाँ पर जो इसके इनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हैं इस वक्त अनिल सैयद मोहम्मद अनिल साहब, तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या विजन है उनका, क्या वो आज उनके अंदर इतना पोटेंशियल बाकी है, क्या आज वो इतने अपने प्रोजेक्ट को लेकर इमोशनल, उनके इमोशंस जो हैं वो इतने आज भी हैं जितने उन्होंने उस वक्त लॉन्च किए थे। और मेरे साथ जुड़े रहें, चलते हैं, चल के अंदर देखते हैं और उनसे पूछते हैं, इंशाल्लाह ताला वो हमें मिलेंगे और हमें अपने ग्रीवेंसेज और अपने कमेंट्स से हमें इजहार करेंगे और बताएंगे। तो मेरे साथ जुड़े हैं, आइए हम चलते हैं सैयद मोहम्मद अनिल साहब के पास। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये सारे हमारे CCRs बैठे हुए हैं बिलाल हाइट्स के अंदर, अकाउंट सेक्शन है। और आप ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे फहीम भाई हैं, हाथ हिला दें फहीम भाई मेरे व्यूवर्स को। ये हमारे जो हैं क्या कहते हैं जब्बार भाई हैं, इमरान भाई हैं, और ये हमारे नवेद भाई हैं माशाल्लाह से। तो अनिल भाई कहाँ बैठे हुए होंगे इस वक्त, अनिल भाई पीछे अपने कमर में बैठे हैं, अनिल भाई से बात करते हैं, मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा आजकल वो सिनेरियो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अनिल भाई के सामने बैठा हुआ हूँ, और अनिल भाई इस वक्त जो है वो बिलाल हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, HOD भी हैं माशाल्लाह, प्रोजेक्ट हेड भी हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ अपने ये सारे प्रोजेक्ट को डिलीवर करते जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस वक्त माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इंपैक्ट इनके प्रोजेक्टों के ऊपर आया हुआ, इन्वेस्टर ब्रोकर और साथ में जो डीलर एंड यूज़र को सबसे ज़्यादा जो है इनका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन है और मार्केट के अंदर, और बहुत तेज़ी इस वक्त आई हुई है। बिलाल के अंदर फ्लैट चाहिए, बिलाल के अंदर शॉप चाहिए, मतलब इनकी कामयाबी का राज पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि आया कि इन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई और क्या ऐसा मामला किया जो करीम सेंटर इन्होंने फुल पैक कर दिया, बिलाल बचत बाजार पैक कर दिया, साथ में इनके बाद मजीद और ये बिलाल हाइट 3 लेकर आ गए हैं, मतलब मेन रोड 90 मीटर रोड पे, मतलब कुछ छोड़ नहीं रहे हैं माशाल्लाह से। इधर ये लॉन्च करते हैं प्री लॉन्चिंग के अंदर ही माशाल्लाह, इधर दूसरे दिन ही अपना एक्सकवेशन शुरू कर देते हैं। तो ये इतनी तेजी इनके अंदर, इतना करंट इनके अंदर, जोश कैसे आया हुआ, ये जरा इनसे हम बात करते हैं और आज इनसे पूछते हैं कि इनका इसका राज क्या है इसका। तो मेरे सामने इस वक्त अनिल भाई बैठे हैं, अनिल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अफलान भाई? ठीक हैं चौधरी अफलान साहब, फिर हाँ अगेन कम बैक सर, इज एन ऑनर। अफलान भाई बात यह है कि आपने इतने अच्छे काइंड वर्ड्स बोले, मैं टोटली एग्री करूँगा आपसे। बात यह है कि ये टीम वर्क है। अच्छा टीम वर्क क्या है कि टीम डजंट मीन कि बिलाल का टीम वर्क है, ये GFS का टीम वर्क है। जो हमारे CEO इरफान भाई साहब का जो विजन है ना सर, हम उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मकसद उनका क्या कॉन्सेप्ट था जो लोगों को पहले भी उन्होंने बताया, कुछ लोग उस माशाल्लाह अमल पैरा करके है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाओं में प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ दी है, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा उठाएं, हम उसमें क्या करते हैं कि हम विदिन 3 to 4 months उस पर काम का स्टार्ट करते हैं, डिगिंग। मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लॉन्च होते हैं, साल हो गया अभी तक एक्सकवेशन और जमीन का तय नहीं हो रहा, आपके पास लॉन्चिंग होती है और इधर आप एक्सकवेशन शुरू करते हैं, हाउ टू पॉसिबल मैनेज इन दिस एरिया? और देखें सर, वो जिन प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, वो भी GFS के प्रोजेक्ट है। मैं आप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, बार बार पहले भी समझा चुका हूँ GFS को, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी प्रोजेक्ट। मैं कभी प्रोजेक्ट को नहीं डिफेंड करता या रिप्रेजेंट करता। GFS का मोटो है ये, GFS का मोटो ये है कि GFS ने सबको एक ही सिस्टम दिया है, हर कोई अपने सिस्टम में लेके चल रहा है। आप जो बात कर रहे हो ना, यकीनन ग्रीवेंसेस हैं, लोग कह रहे हैं कि जी अभी प्रोजेक्ट हैं और ये नहीं, लेकिन सबकी जो ऑथेंटिक है, सबकी ऑथेंटिकेशन है, कुछ जगह ऐसी हैं। आप अपना प्रूफ दीजिएगा, फिर मैं उसका काउंटर भी करूँगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट हैं जिनके प्रोजेक्ट के नाम हैं, वो बिक रहे हैं और उनकी अभी एक्सिबिशन, अच्छा डिगिंग का वर्ड गलत है, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, डिगिंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं रही, एक्सिबिशन कहलाती है। एक्सिबिशन बाकी प्रोजेक्टों की भी होगी, हमारी भी होगी। हमारा सिलसिला ये है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है कि जी अर्निंग भी है और डिलीवरी भी है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर हमारे पास हमारे क्लाइंट हमसे एक हम पे ट्रस्ट करते हैं
कि जी हमने यहाँ पे बुकिंग कराई 5 साल के शेड्यूल में, तो जी हमारी बिल्डिंग कितने साल में रेडी होएगी, तो हम उसके साथ फिजिबिलिटी बनाते हैं कि जी हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो 3 से 6 महीने इस पर काम करें, फिर 3-6 महीने बाद दूसरे पे काम करें। अब आप देखें ना, बिलाल 1-2 रेडी है, उसके बराबर में हमारा जो बचत बाजार 2 है उसकी डिगिंग हो गई है, एवरेज की डिगिंग हो गई है, मेन रोड 200 फीट रोड के ऊपर बचत बाजार 1 पे डिगिंग हो गई। अगर आप ये बात करें, अच्छा मुझे याद आया, बराबर में चीज मॉल का काम हो तो गया स्टार्ट, तो जो चीज अच्छा काम कर रहा है वो कर रहा है ना। GFS प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है सब 50 अबव प्रोजेक्ट। मैं सम प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनके ऊपर लोगों की ग्रीवेंसेस है, जो मेरे कानों में सुनने में आती है कि उनके प्रोजेक्ट मैनेजरों को 1 साल हो गया जब तक उनकी जमीन तक तय नहीं हुई है। नहीं, तयन हो चुका है, बच्चों का भी ऐसा कोई अलग सिस्टम नहीं है इरफान भाई, हम इस चीज को टेक केयर करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। बात ये देखे, मैं यहां आपको अगर ये बात बोलूं, मार्केट के अंदर हटकर मैंने आपकी जो लोगों के अंदर मुतमइन पर जो सेटिस्फैक्ट्री देखी है, वो मैंने दूसरों के अंदर मेरे पास जो एंड यूजर कमेंट देते हैं वो वाली सेटिस्फैक्ट्री उनके चेहरे पर नजर नहीं आती है, क्या रीजन क्या है? देखें सर, बात ये है कि हम तो जब एक दरिया है, हमसे आगे कोई मिलना चाहे तो हमारे साथ मिल जाए, हम तो उनको भी गाइडलाइन दे देंगे कि व्हाट इज टू बी, कि किस तरह सिस्टम को लेके चलना है। अभी बिलाल हाइट आपकी बात काट रहा हूं, बिलाल हाइट 3 आपने लॉन्च कर दी है, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या सिनेरियो, प्री लॉन्चिंग है या लॉन्च? सर प्री लॉन्चिंग है, लिमिटेड चीजें हैं, जैसे अफलान भाई ने बताया कि मेरा प्रोजेक्ट पहले ही ऑन पेपर आने से पहले अल्लाह का शुक्र उसके बायर इन्वेस्टर खड़े होते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा अफलान भाई, कि मेरे पास जो इन्वेस्टर या मेरे पास एजेंट जो भी काम करते हैं ना, वो मेरी फाइल को 2-3 महीने में मैच्योर करके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करा देते हैं। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा एक गुण था जो मैंने आपको खैर आज बता दिया कि मेरे अलावा कोई और भी लोग हैं जो भी ये मेरी बात को सुन रहे हैं, वो उन लोगों के साथ काम करें जो उनके साथ कमिटमेंट चले और फाइल को फटाफट इंस्टॉलमेंट में लेके आए। ये बात आप उनको पर्सनली तौर पे भी बताते हैं जो अदर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये आपने सब मीडिया पे बात कर दी, अपना आपने राज इसको क्लोज कर दिया? बिल्कुल, सबको बताता हूँ, सबको पता है कि हमारी जीत ही ये है कि जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट और हमारा एक रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब वही पैसा हम यूटिलाइज करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, आप समझ रहे हैं, वो डेवलपमेंट में पैसा इस्तेमाल होता है, नई सेल और बाइंग चल रही होती है, उससे हम दूसरे अपने जो एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे होते हैं, तो सिस्टम इसी तरह बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बहुत छोटे हैं सर, बात यह है कि नाम बड़ा अल्लाह ने किया है, इरफान भाई की बहुत मोहब्बत है, मंसूर भाई की, मोहसिन भाई की बड़ी मोहब्बत है, इन सब भाइयों की और GFS की मोहब्बत है, लेकिन हमने ये समझते हैं कि हमने तो आपसे खुद सीखते हैं, हम तो खुद जूनियर हैं, आप हमारे लिए तो बड़े ही हैं ना, आप भले खुद अपने आप का बड़प्पन है कि आप अपने आप को सब छोटा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप बड़े हैं। थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपने सिनेरियो के बारे में, बिलाल हाइट 1 से लेकर बचत बाजार करीम सेंटर और ये आपका जो एवरेस्ट है और दूसरे जो आपके प्रोजेक्ट, देखें सर हम आए थे 2022 के दिसंबर में इधर, ठीक है, हमने यहाँ पैराडाइज में एक लोकेशन लॉन्च की थी बिलाल वन के नाम से, 450-450 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो पुराने दोस्त यार थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, वो हमने लॉन्च किया, वो 10 दिन में हमारा सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट किस सेंस में, वो मैंने बताया आपको कि वो फाइलें लोगों के नाम पे हो गई, एंड यूज़र हमारे पास आ गया। मोटो बिलाल का GFS का यही है कि एंड यूज़र हमारा बेसिकली मेन क्लाइंट है। सर मेरे पास तो ऐसे ब्रोकर आके खुद जौहर से, गुलशन से, क्रिप्टन से आके मेरे को ये बताते हैं कि GFS इस वक्त वो वाइट बिल्डर है जिसके पास आज भी इन्वेंट्री अवेलेबल है और इतने कम बजट की इन्वेंट्री कोई भी नहीं ले रहा है, ये तो आपकी जीत है सर। सर सर लकी हैं लोग, आप मेरे साथ इधर पुराने 2015-16 से हैं, नॉर्थ टाउन में ही हैं, माशाल्लाह आपने भी अपना घर बनाया, हमारे भी जानने वालों के घर हैं, तो उस ज़माने में आपको पता है क्या लाती, मुर्गी खाने थे, बदबू थी, लोग इधर आते नहीं थे, 14 लाख 15 लाख 20 लाख का प्लॉट बिकता था, आज वही प्लॉट 70 लाख रुपए का अवेलेबल नहीं है, क्यों? ट्रस्ट, जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने आज अचीव किया। आज भी हम बिलाल के लिए कहते हैं या ख़ास तौर पर कि हम पे ट्रस्ट करें, आपको इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर करके देंगे। इरफान वाहिद, इरफान वाहिद और कोई नहीं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, डिलीवरी अपनी जगह मौजूद है। इरफान वाहिद साहब का जो विजन है, जिस तरह वो सिस्टम को लेके चलते हैं, वो सिस्टम में सबसे मेन पॉइंट ये है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिलीवरी पोजीशन, ये नहीं कि जमीन पड़ी है पड़ी। वो आज भी हमसे कह रहे हैं बिलाल वन में, अभी हम आपको मैं दिल की बात बताऊं, बिलाल वन के अंदर दुकानों में भी 40-55% पेमेंट आई है, लेकिन इरफान भाई मुझे पीछे पड़ गए कि आप पोजीशन दे दो। अरे
आप बताएं ऐसा कोई होगा मालिक, वो बोलेगा जी मेरी पेमेंट पूरी नहीं हुई है मुझे माल दे दो, वो कहते हैं पोजेशन दो ताकि लिविबल हो। जबरदस्त आप करते हो नेकी और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि यार बिल्डिंग अधूरी है और हमारे को इन्होंने रियायत दे दी, ये क्या सिनेरियो लोगों के घर से मेरे खाते मौत तक। बात यही तो बात है ना कि सर लोग इस चीज पे ठहरते नहीं है कि भाई अगर वहां घर बन रहा है या दुकान आबाद हो रही हो तेरी ऊपर प्रॉपर्टी भी तो डबल हो रही है कि वो वैल्यूएबल हो गई है जगह। आपने 20 लाख की दुकान ली थी, दुकान खुल गई या दुकानों के बैठा है, वो दुकान आप मार्केट में कितने की बेचोगे? 30 लाख 35 लाख की बेचोगे क्योंकि लिवेबल हो गई, क्योंकि पहले तो घबराहट ही होती है ना अफनान भाई। इस मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में सबसे बड़ी इशू पोजेशन होता है कि लोग ढूंढने होते हैं। 10-10 साल हो जाते हैं बिल्डिंगों को पोजेशन नहीं देता बिल्डर। आप लोग अभी 2 साल होते नहीं एक्सकवेशन, एक साल में कर दो, दूसरे साल आप लोगों को स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तीसरे साल आप बोलते हो रिहाइश कर लो। और सबसे बड़ी बात बताऊं अफनान भाई, मैं आपको इतनी बात बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं कल एक सर्वे कर रहा था डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। अब आपसे पर्सनल हो रही बात मैं करता हूं, अभी और भी सुने। अभी भी जीएफएस सबसे नॉमिनल डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है। मैं बिल्डर्स के नाम दे सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं कि वो लोग एक चीज जिसकी वर्थ 25 लाख की है एक जमाने में किसी ने ली थी, अब उसके 25 लाख 3 साल बाद डिमांड कर रहे हैं। आप बताएं कस्टमर कहाँ जाएगा? सर आप तो वो परसेंटेज देते ही नहीं है, लोगों ने तो फिक्स किया है डेवलपमेंट, आप लोग तो उसके आगे मैं कहता हूँ बहुत सुपर। सर लोगों को आसानी है, मैं बता रहा हूँ। मैं इरफान वाहिद का नाम इसलिए ले रहा कि वो मेरा बॉस है, ये वो बंदे का विजन है यार, उसने सिस्टम दिया है और जेन्युइन कराची के अंदर इरफान वाहिद जैसा सिस्टम कोई नहीं चला पा रहा है। लोग बातें बड़ी कर रहे हैं कि जी इधर हैं उधर हैं उधर गए इधर गए। सर मैं आपको बोलता हूँ सैन वंडर वन कोई जाता नहीं था, लोग बोलते थे क्या है कौन जाएगा बहरिया के आगे। आज वहाँ पे 50 घर बन रहे हैं और 10 फैमिलियाँ रहना शुरू हो गई हैं। अब मलीर एक्सप्रेस वे जब रेडी होने का ना सर, तो वो जो वहाँ पे प्लॉट 15-20 लाख का था 33 लाख रुपये में लोग लेंगे क्योंकि वो एक्सेस आ जाएगा सीधा। उसके बाद फिर नॉर्थ टाउन, फिर नॉर्थ टाउन टू, फिर मलीर के, मैं खुद मलीर का प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे कि मैंने 6-6 फेज हम बेच के आए। मलीर को जाता था तो बोलते थे नहीं, क्यों? विजन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जीएफएस की जीत है डिसीजन मेकिंग फॉर द कस्टमर। हमारे रेट नॉमिनल होते हैं, हमारी सिस्टम बड़ा अच्छा है, हमारी टीम में 19-20 का लोगों का फर्क होता है। बात ये नहीं होता कि कोई गलत कर रहा होता है, साइकी मैच नहीं होती है लोगों की, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती, इस वजह से कभी कभार इख्तलाफ आ जाते हैं। वरना सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ गवाह हूँ कि मेरे सामने लोगों ने आज कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। वो एजेंट भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, मालिक भी हैं, सब कुछ लोग हैं। तो जीएफएस सर आपके लिए एक वाहिद इदारा है जो आपके लिए आपका फ्यूचर सिक्योर करता है और आपको उसके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। आप हमारी मार्केटिंग, हर बंदा जो वीडियो देख रहा है हमारी मार्केटिंग करे, लोगों को एम्फसाइज करे अपने घरों में आके, खानदानों में आके। बिल्कुल सर आप बताएं ना, वो हमारा लोगों तो लोग उस वक्त बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, पहले आइए पहले पाइए, यामी ने लोनो किया ना, तो जो पहले आगे पहले पा गया आज वो कहाँ है आप बताओ? डबल ट्रिपल करके निकल गए लोग। तो सर और कहाँ मिलता है ऐसा काम? बहुत शुक्रिया नील भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू मेरे व्यूअर्स, आपने मेरे। तो मेरे साथ इस वक्त है अनिल भाई, माशाल्लाह आपने इनके जज्बात देखे, इनके अंदर करंट देखा, वो जो करंट इनके अंदर डाला गया है, वो जो इनके अंदर बैटरी चार्ज हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके बॉस और इरफान वाहिद साहब की तरफ से मैं समझता हूँ कि वो इंजेक्शन है इनके अंदर, जो इनके अंदर इतनी क्या कहते हैं पोटेंशियल है काम की, और इतना ये अपने काम में इतना इंगेज होकर, इतना बॉन्ड होकर ये लोग जो है कस्टमर को डील करते हैं और देते हैं। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, अनिल भाई हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं यहाँ के बिलाल हाइट के, जो भी इनसे रब्ता करना चाहेगा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मायूस नहीं होगा। इसी तरीके से मैं कहूंगा आपसे कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बिलाल हाइट्स के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अनिल भाई से किसी को भी कोई चीज लेनी है वो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन वो रब्ता कर सकता है। अफान रियल इस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन नॉर्थ टाउन ओल्ड बुकिंग ऑफिस के मेन रोड के ऊपर मेरा दफ्तर है, आए आके मुलाकात करें और इंशाल्लाह ताला अपने ग्रीवेंसेस को दूर करें, अपनी हेजिटेशन को खत्म करें और विदाउट एनी हेजिटेशन इनसे अपनी चीजें परचेज करें। और आज भी वो रेट इनको इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे, मैं दिलवाऊंगा, जो इंशाल्लाह ताला मार्केट में आपको कोई भी कमर्शियल्स में नहीं दे पाएगा। तो इजाजत चाहता हूं मैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।